हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में पंचों की बैठक में तय किया गया है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के बाद उनके शिष्य बलवीर गिरी को भागम्भरी मठ की गद्दी सौंपी जाएगी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने हरिद्वार में ये घोषणा की है। 5 अक्टूबर को प्रयागराज में नरेंद्र गिरी महाराज की शोश्री में बलवीर गिरी की महताई जो है वो की जाएगी। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि अखाड़े के संचालन के लिए अखाड़े के पंचों की एक सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड में निरंजनी अखाड़े के कई साधु संत शामिल होंगे। निरंजनी अखाड़े की परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि दिवंगत नरेंद्र गिरी महाराज ने जो वसीयत की है उसके अनुसार ही भागम्भरी मठ की गद्दी बलवीर गिरी को सौंपी जा रही है। भागम्भरी मठ के उत्तराधिकारी बनेंगे बलवीर गिरी। आपको बता दें कि बलवीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं और वही उनकी सेवा कर रहे थे और जब सुसाइड की तो एक सुसाइड नोट मिला है, उसमें ये लिखा था कि मेरे जाने के बाद बलवीर गिरी को सौंपी जाए। गिरिजी महाराज देखते हैं कि नरेंद्र गिरिजी महाराज हमारे पंचायती अखाड़े के श्री महंत थे और हमारे सचिव थे। सचिव होने के नाते वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुए, तो इसलिए जो अखाड़े की परंपराओं का पालन करेगा वही तो कहीं ना कहीं व्यवस्थापक होगा और व्यवस्था का पालन करेगा। तो बलबीर पुरी जी महाराज जो उत्तराधिकारी होने जा रहे हैं, जिनकी महंताई होने जा रही है निस्संदेह, क्योंकि उस परंपराओं का सर्वोच्च पद पर मैं आसीन हूँ, इसलिए मेरा उत्तरदायी तो बनता है कि हमारी परंपरा कभी खराब ना हो, हमारी परंपरा कभी बिगड़े नहीं और हमारी परंपरा में किसी प्रकार का कोई क्षति ना हो। घोषणा हो गई है, कार्ड छप गया, निमंत्रण छप गया है और घोषणा हो गई। मैं उनकी अभी औपचारिक जो उनकी घोषणा है, मैं उनकी औपचारिक महंताई की घोषणा करता हूँ। अखाड़े का जो नियम है वो ये है कि हमें एक बोर्ड का गठन करना है, वो बोर्ड जो है जो मठ मंदिर उसकी निगरानी करेगा, ताकि ऐसा जो हमारा वो होने वाला महंत जो महंत वहाँ बैठेगा वो ऐसा कोई कार्य न करे जो समाज के विपरीत। किसी व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए, हम ही है, अगर समाज का भय हमको न हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति पर ये नियम लागू होता है, समाज का भय भी जरूरी है। कोई भी घर में अगर माँ बाप का भय नहीं होगा तो आप भी बिगड़ जाएंगे, वैसे अगर संतों को किसी का भय नहीं होगा संत भी बिगड़ जाते हैं। हम संपत्ति बची है उसकी सुरक्षा हो, उसकी रक्षा हो, और ताकि जो है जो धर्म का काम कार्य जो विद्यालय की जो विद्यालय जो हमारा वहां है उसका अन्य क्षेत्र वहां चलता रहे, बच्चे पढ़ते रहे, उसके लिए हमने जो एक बोर्ड का गठन किया है उसका नाम है सुपरवाइजरी बोर्ड। बोर्ड में जो है हमारे अखाड़े के 5 श्री महंत होंगे। आपने क्या कुछ कहा कि जो सुपरवाइजरी एक बोर्ड बनाया गया है उसमें अखाड़े के 5 संत होंगे और उनकी देखरेख में जो सारा काम है वो रहेगा। बहरहाल आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के बाद उनके शिष्य बलवीर गिरी को भागम्भरी मठ की गद्दी सौंपी जाएगी। निरंजनी अखाड़ा के सचिव इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता विकास चौहान के साथ ही मौजूद है हरिद्वार से, सीधे उनसे बात करते हैं। विकास, आखिरकार ऐलान कर दिया गया है काफी पसोपेश के बाद कि भागम्भरी मठ की जो गद्दी है वो बलवीर गिरी को दी जाएगी और 5 तारीख को विधिवत रूप से वो ताजपोशी होगी उनकी। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो भागम्भरी मंदिर है कि जो गद्दी है वो जिस तरह से रिक्त हुई है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के जाने के बाद, वो जो नरेंद्र जी अखाड़ा क्योंकि उससे संबंध रखता है और उसने आज यहाँ पर एक बैठक के बाद यहाँ पर एक घोषणा यहाँ पर उनके आचार्य श्री कैलाशानंद गिरी जी ने यहाँ पर की है। और बैठक के बाद उन्होंने बताया कि जो नरेंद्र गिरी के जो शिष्य थे बलवीर गिरी, उनको उस गद्दी का महंत बनाया जाएगा और उनको सारी जिम्मेदारियां 5 तारीख को जब उनकी षोडशी होनी है, जब उनका शोक सभा होनी है तो उसको उनको जिम्मेदारी को सौंपी जाएगी। इस समय मेरे साथ में निरंजनी अखाड़े के श्री महंत रविंद्र पुरी जी भी हैं, वो बताएंगे हमारे को कि वो किस तरह से और प्रक्रियाएं किस तरह से रहेंगी और किस तरह से उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। देखिए,
हमारा एक नियम होता है, जब भी हमारे यहाँ कोई संत हो, महंत हो, श्री महंत हो, जो भी उनका जब वो कैलाशवास होता है, मृत्यु को हम कैलाशवास कहते हैं, कैलाशवास होता है, तो उनको जो है 16वें दिन षोडशी भंडारा होता है। षोडशी भंडारे के दिन ही जो जगह रिक्त होती है वहां एक महंत नियुक्त किया जाता है, उस जगह की पूर्ति के लिए एक व्यक्ति को वहां का महंत नियुक्त किया जाता है। ये हमारी परंपरा है जो अभी नहीं आदि अनादि काल से चली आ रही है। और उसके अतिरिक्त हमने ये रखा हुआ है कि जब भी कहीं कोई महंत नियुक्त होता है उनके लिए एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, उसका कार्य यह है कि जो महंत है वो कोई ऐसा कोई जमीन बेचना या कोई ऐसा काम न करे जो मतलब समाज के हित में नहीं हो, इसलिए वहां सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन होता है और उस बोर्ड में अखाड़े के जो सचिव होते हैं उस बोर्ड के मेंबर होते हैं। गुरु जी, आज बैठक हुई है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय लिए गए और किस तरह से उनको बनाया गया, किस तरह से आगे की कार्रवाइयां? देखिए, जो आज बैठक हुई है, इससे पूरे बैठक हमारी प्रयागराज में हुई थी और आज हमारी बैठक हरिद्वार में हुई। हरिद्वार में जितने हमारे अखाड़े के श्री महंत है सबने ये कहा कि उसी को जो बलबीर गिरी नाम का जो महात्मा है उसको जो है वहां का महंत बनाया जाए। और सभी जितने महंत है उन्होंने ये भी राय दी है कि वहां पे एक बोर्ड का गठन किया जाएगा ताकि वहां का जो काम है जो सुचारू रूप से हमेशा के लिए चलता है। तो ये हमारे साथ हैं रविंद्रपुरी जो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां की जो व्यवस्थाएं रहेंगी, 5 मेंबरों की एक कमेटी भी बनाई जाएगी और साथ साथ जो उनको सौंपा जाएगा श्री महंत जो महंत बनाए जाएंगे बलबीर गिरी, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। बिल्कुल विकास, ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से सुपरवाइजरी बोर्ड जो है वो गठित किया गया है, क्योंकि इसके पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जब से विवाद हुआ और उसके बाद ये बड़ा फैसला। जी बिल्कुल, जैसे जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर स्थिति बन रही थी क्योंकि विवाद काफी हो गया था, उसके बाद अखाड़ा पर जो है निर्दयी अखाड़ा है वो उसके जितने भी श्री महंत है वो और उन्होंने बैठक के दौरान ये निर्णय लिया कि अब उसकी व्यवस्थाओं को किस तरह से संभाला जाए, किस तरह से आगे की व्यवस्थाएं रहेंगी, तो उसके लिए एक श्री महंतों की एक 5 सदस्य कमेटी बनाई गई है जो उस मंदिर की देखरेख करेगी, उसकी व्यवस्थाएं देखेगी। हालांकि जो जो महंताई सौंपी जाएगी बलबीर गिरी को, वो 5 तारीख को यहाँ पर सौंपी जाएगी, हालांकि उनके पास सारी जिम्मेदारियां भी रहेंगी। बिल्कुल, कई जिम्मेदारियां भी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो 5 अक्टूबर को प्रयागराज में नरेंद्र गिरी महाराज की षोडशी में बलबीर गिरी को महंताई दी जाएगी, यानी गद्दी दी जाएगी।